नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एक विमान क्रैश हो गया। इसमें 19 लोग सवार थे। बताया गया है कि विमान रनवे से फिसल गया और बाहर जाकर क्रैश हो गया। फिलहाल इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। अब तक की जानकारी के अनुसार शौर्य एयरलाइंस का विमान काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे TIA से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था, तभी अचानक से प्लेन क्रैश हो गया। आप लोग भी देखिए वायरल वीडियो और कमेंट्स करके बताएं अपने विचार।